फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है, मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये स्टेनलेस स्टील का कुकर है, तो मेरे पास जो है नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम में कुकर था, तो मुझे लगा कि एल्यूमिनियम के कुकर को मुझे रिप्लेस करना चाहिए। सो मैंने ये ट्राई किया है, आउटर लिड है। सो आउटर लिड में कुछ भी बनाना, और जैसे कि आप सब जानते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाना होता है, तो मुझे उसके लिए आउटर लिड का कुकर ज़्यादा सही लगा, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है। बजट के अंदर पड़े इसलिए मैंने जो है ये पिजन ब्रांड का मंगाया है, क्योंकि प्रेस्टीज और बाकी के जो मेरे पास और भी ब्रांड्स हैं जो उनके कुकर मुझे इनके इसकी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगे लगे, और इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कभी भी इस कंपनी का, पिजन कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट जो है नहीं ट्राई किया है, लेकिन मुझे इसके रिव्यू और बाकी काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी इसकी, तो मैंने कहा एक बार मंगा के देखते हैं तभी तो पता चलेगा। तो इस तरीके से इसमें एक ये लगा हुआ है, मैंने इसे अभी तक देखा नहीं है। सो ये है, बिल है बेसिकली। और चलिए अंदर आपको दिखाते हैं खोल के। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पिजन का है, 3 लीटर का है, 5 ईयर वारंटी है इसमें, और जो है ये ट्राई प्लाई प्रेशर कुकर है। ट्राई प्लाई का मतलब होता है कि इसका जो बेस वगैरह होता है, जो मेटल जिससे ये बनता है, उसमें 3 लेयर होती हैं, तो बाहर की लेयर और अंदर की लेयर स्टेनलेस स्टील की होती है, मिडिल वाली जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम की होती है, जिसकी वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे से होता है और इवेन होता है। तो इस तरीके से पहले इसमें ढक्कन मिलेगा आपको, इसका लिड, तो यहाँ पे इसका विसल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, हैवी विसल है, और इसको पैकिंग से हम अलग करेंगे। तो एल्यूमिनियम काफ़ी नुकसानदायक होता है खाना वाना बनाने के लिए, स्पेशली प्रेशर कुकर। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है फ्रेंड्स, इसके ढक्कन पे ही लिखा गया है कि यूज़ ऑन लो फ्लेम ओनली, यानी कि अगर आप हाई फ्लेम पे, बेसिकली जो आउटर लिड कुकर होते हैं, अगर उनको आप हाई फ्लेम पे यूज़ करते हो ना, तो इनके जो सेफ्टी वॉल्व होते हैं, ये जैसे सेफ्टी वॉल्व हो गया, ये गैस्केट हो गई, ये ख़राब होने का डर रहता है। तो वैसे भी प्रेशर कुकर को आपको लो फ्लेम में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो तो चीज़ें तो प्रेशर से पकती हैं, एक बार प्रेशर मेंटेन हो गया तो फिर आपको ज़्यादा आंच की ज़रूरत, हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल आप रखिएगा। और देखिए, इसका जो बाहरी लेयर है वो एकदम ग्लास फिनिश है, कि आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हो। अंदर का जो लेयर है, अंदर का जो है वो मैट फिनिश है। सो ये इसका ढक्कन है, काफ़ी भारी ढक्कन है, स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, रिव्यू में मैंने कई चीज़ें देखी थी कि कुछ लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू थे उसमें, कि बहुत सारे कि उनका कई बार विसिल नहीं आया है, या ख़राब है, हल्का है ढक्कन, ये हैंडलिंग जो थी, हैंडल का जो लॉकिंग सिस्टम था, ये कई लोगों ने बताया कि उनका अच्छा नहीं आया, टूटा हैंडल मिला है, लेकिन लकीली मुझे बहुत अच्छा मिला है ये प्रोडक्ट। तो अगर आप लोगों को ऐसे कोई टूटा हुआ प्रोडक्ट मिलता है, तो आप उसे रखें नहीं, उसे ज़रूर लौटा दें, और अपना जो आपके जो भी पैसे हैं उसे रिफंड ले लें। तो ये है हमारा कुकर का मेन बॉडी। और ये इसमें एक, इसको मैं हटा देती हूँ, ये देखिए, अब ये है हमारा ढक्कन, ये है कुकर। चलिए पास से देखते हैं, ये देखिए, ये इसमें शायद वारंटी कार्ड वगैरह है, ये मैनुअल दिया है इसका, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, कि क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना है। तो आप इसे अच्छे से पकड़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी आगे दिक्कत ना हो। देखिए, वारंटी टर्म्स भी दिए हुए हैं, सारा कुछ इसमें जो है डिटेल में दिया है, तो इस कार्ड को आप संभाल के रखें। अब चलिए कुकर देख लेते हैं। तो देखिए, कुकर में आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, कि पहले तो देखिए, ये ट्राई प्लाई पिजन का हमेशा ही लोगो ज़रूर देख लें, क्योंकि लोकल ब्रांड भी मिलते हैं कई बार सेम नाम से। तो देखिए, इसका भी जो अंदर का साइड है वो मैट फिनिश है, और बाहर का जो साइड है वो ग्लास फिनिश है। देखिए, कितनी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है,
कहीं जरा सा भी स्क्रैच नहीं है। और ये जो हैंडल लगे हैं ना, ये इतनी मजबूती से इनको लगाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश किया गया है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है, जिसकी वजह से आप इसे बहुत ही अच्छे से सफाई भी इसकी कर सकते हो। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो मुझे प्रेशर कुकर्स में पसंद नहीं आती है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है और मैंने क्यों इसको इतना देख करके मंगाया है। तो ये चीज़ है, ये देखिए, ये जो हमारे कुकर आते हैं स्टील में भी आपको इस तरीके के कुकर मिलेंगे, कि ये जो देखिए ये जो लाइनिंग होती है ना, ये देखिए, इसको आप कितना भी साफ़ करने की कोशिश करें इसमें मैल भर जाता है ये, और अंदर भी सेम साइड होता है, इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है इस लाइनिंग को। तो ये चीज़ ना हो, बर्तन अच्छे से साफ़ रहे, कोई चीज़ जले तो इन जो दरारें होती हैं इनमें भरे नहीं, इसलिए मैंने ये देखिए यहाँ पर कोई भी जो तीखा कट होता है, जिसे शार्प कट बोलते हैं, वो नहीं है, ये राउंड शेप में है एकदम, और एकदम साफ़ करना इसे बहुत ही आसान, इसमें कहीं जगह ही नहीं है गंदगी के रुकने की और भरने की। अब दूसरी चीज़ एक और मैंने नोटिस की, मैंने प्रेस्टीज का कुकर का रिव्यू किया था, मैंने देखा एक लोगों के यहाँ पे, 3 लीटर का था, आउटर लीड था प्रेस्टीज कुकर। तो उसमें क्या था, इसका बेस आप देखिए कितना फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, आप ऑयल डालोगे तो वो पूरे सरफेस में रहेगा, बीच में भी रहेगा। जो प्रेस्टीज का 3 लीटर का मैंने कुकर देखा था, उसमें ये बीच का जो हिस्सा था ना, ये ऊपर उठा हुआ था, साइड में खाली था, तो तेल डालो कुछ भी डालो वो सब साइड में जा रहा था, बीच में वो नहीं रह रहा था। तो मुझे वो चीज़ पर्सनली नहीं अच्छी लगी। और ये था हमारा ओवरऑल कुकर, और देखिए इसमें पीछे भी पूरी ब्रांडिंग की गई है और सारी चीज़ें लिखी हैं कि आप इसे किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि स्टेनलेस स्टील है और इंडक्शन में भी यूज होता है ये, और इस तरीके से आप इसे इसका ढक्कन घुमा के लगा सकते हो। इसकी रबड़ देखिए ये गंदी आती है, तो इसे जब भी आप कुकर को इस्तेमाल में लाएं फर्स्ट टाइम, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से वॉश ज़रूर करें। हालांकि मैंने अभी इसमें कुकिंग नहीं की है, बट ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसमें कुछ बनाऊंगी तो उसका जो ऑनेस्ट एकदम रिव्यू है वो मैं इस वीडियो के कॉमेंट में डाल दूँगी और कॉमेंट को पिन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप भी सोच रहे हो स्टील का कुकर ख़रीदने का आउटर लिड, तो वो आप ख़रीद सकते हो। डेफिनेटली ये इस ब्रांड का मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी ले सकते हो, मुझे ये 1160 रुपये का पड़ा है, 1159 का पड़ा है। और इसमें जो है ना एक कॉम्बो भी चल रहा है फ्रेंड्स, ये 2 लीटर का, 3 लीटर का और 5 लीटर का, वो 2500 के आसपास का था, वो कॉम्बो काफ़ी अफोर्डेबल था। बट मेरे पास ऑलरेडी 3 से 4 कुकर हैं, इसलिए मैंने वो नहीं मंगाया, सिंगल पीस ही मंगाया है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसे मंगा सकते हो, किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत ही बढ़िया है, ये ज़रूर से ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों इसे क्लोज करने में थोड़ी सी आपको पहले मुश्किल हो सकती है, तो आप इसे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लें सिंपल। तो सिंपल आपको इसको ऐसे ही रखना होता है, देखिए ये ढक्कन है तो इसके पास से ही आप इसे रखने की कोशिश कीजिए, ढीला छोड़िए, और अगर ये सही से लगा होगा तो ये अपने आप ही इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, अगर नहीं लगा होगा तो ये अच्छे से क्लोज नहीं होगा। देखिए एकदम अच्छे से ये लग गया। अब खोलना है तो बस इधर की तरफ को हम इसे पुश करेंगे, और जैसे ही ये ढक्कन से पूरी तरीके से हटेगा इसके ऊपर से, और बस इसे आप इस तरीके से उठा दीजिए। रखना है तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस ढक्कन के ऊपर ढक्कन ना आए, बिल्कुल जहाँ से ये ख़त्म होता है यहीं से शुरू करें और इस तरीके से इसे रख दें, बिल्कुल आपको एकदम फील होगा कि अच्छे से। अच्छा, अब अगर ऐसे यहाँ से आप इसे करने की कोशिश करोगे तो आप ये ढक्कन नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंडल यहाँ पे फॉल करे, यहाँ पे गिरे, और बस बंद हो गया।